नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूँ सूर्य सीरीज में, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग इंग्लिश पर। और जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो कौन सा चल रहा है अभी? लॉजिक प्रोग्रामिंग। और आज हम बात करने वाले हैं लिस्ट की। तो देखो, अगर हम एक लिस्ट की बात करें तो जो लिस्ट होती है वो एक फाइनाइट कलेक्शन होती है। किसका? या तो आप वेरिएबल्स ले लो, या कॉन्स्टेंट ले लो, या कोई भी नाम ले लो, या फिर लिस्ट ले लो। तो लिस्ट जो रहती है वो कंटेन करती है वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट, या फिर नेम, या फिर खुद लिस्ट को। मतलब एक लिस्ट को भी कंटेन करती है। वो हम आगे देखने वाले हैं किस तरीके से करते हैं। तो क्या होती है? फाइनाइट कलेक्शन हो सकती है किसकी? वेरिएबल, कांस्टेंट, नेम एंड लिस्ट। मतलब ये लिखा हुआ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ टर्म्स, और टर्म्स के अंदर हम कितनी चीजों को रख सकते हैं? इन चीजों को इस तरीके से हम क्यों कर रहे हैं? ताकि विच इज यूजफुल फॉर ग्रुपिंग आइटम टूगेदर। मतलब की जो हमारे आइटम्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, एक ग्रुप के अंदर क्या करें, रखें। और फॉर डीलिंग विद लार्ज वॉल्यूम ऑफ रिलेटेड डेटा, मतलब एक रिलेटेड डेटा को हम क्या करना चाह रहे हैं, बाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और आप ध्यान देखें कि जब हम लिस्ट की बात करते हैं तो हम यहाँ पर इस तरीके के सिंबल्स की बात करते हैं, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखो फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो इस फॉर्म में अगर आपको कहीं पे भी अब दिखेगा तो क्या होगा, एक लिस्ट का फॉर्म होगा। अब इस फॉर्म में कौन कौन कंटेन कर रहा है, देखो या तो कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू टू और थ्री, राम क्या है, कोई नाम लिख दिया हमने, तो इन चारों में से कुछ भी हो सकता है। तो कई बार आपको ये पूछा जाता है कि किसी एक लिस्ट के अंदर नंबर ऑफ टर्म हम कितनी यूज कर रहे हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर इस एग्जाम्पल के अंदर हम देखें तो कितने टर्म हम यूज कर रहे हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो मतलब इस लिस्ट के अंदर कितने आइटम है, 4 आइटम्स है, और हर एक आइटम को आपको सेपरेट करना बाय यूजिंग कॉमा, ठीक है। और लिस्ट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके के ब्रैकेट्स लगा के। तो टोटल आइटम कितने हो गए यहाँ पर, 4 आइटम्स हो गए। सेम इस तरीके से आप देखो यहाँ पर कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने यूज हो गए। तो एक तो ये हो गया, ये क्या हो गया आपका नाम। अब मैंने क्या बोला कि कोई लिस्ट अपने अंदर एक लिस्ट को भी कंटेन कर सकती है, तो ये भी क्या है, एक लिस्ट है। और इसको हम क्या करते हैं, एक सिंगल वैल्यू कंटेन करते हैं। तो जैसे ये एक हो गई हमारी, ये 2 वैल्यू हो गई, ये 3 एंड 4 एंड 5। तो टोटल कितने नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पर हो गए, 5। आपको जितनी बड़ी भी लिस्ट अगर दी हुई होगी और इस लिस्ट के अंदर और कोई लिस्ट कंटेन कर दी होगी, तो उसको आपको एक सिंगल आइटम कंटेन करके चलना है। मतलब उसको एक सिंगल आइटम आपको मानना है। तो कितने आइटम हो गए यहाँ पर, 5 आइटम। सेम एज यहाँ पर भी आप देखो कितने आइटम्स हो गए, 1, ये कितना हो गया, 2, ये हो गए 3, और ये कितना हो गए, 4। तो यहाँ पर कितने आइटम्स हो गए थे, 5, और यहाँ पर कितने हैं, 4। अगर आप इंडिविजुअली इस लिस्ट के अंदर बात करोगे तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ आइटम्स है, 3, यहाँ पर कितना है, 2, और इस ओवरऑल के अंदर कितना है, 4। तो इस तरीके से आप एक लिस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो प्रोलॉग के अंदर लिस्ट का जो यूज है वो हम नहीं सीखेंगे अभी, लेकिन मैं केवल एक ओवरव्यू दूंगा आपको, जिसके थ्रू आप लिस्ट को कहीं ना कहीं पहचान सकते हो कि किस तरीके से हम लिस्ट को लिखते हैं, या फिर लिस्ट किस तरीके से लिखती है। तो ये लिस्ट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम प्रोलॉग की बात करें तो वहां पर हम लिस्ट को इस तरीके से लिखते हैं, जहां पर हम दोनों ब्रैकेट्स के बीच में बात करते हैं हेड और टेल की। तो हेड क्या होता है सर, टेल क्या होता है, अभी बात करते हैं। देखो हेड और टेल के बीच में एक सेपरेटर लगा हुआ है, इस सेपरेटर को हम बोलते हैं बार। और बार क्या करता है, डिवाइड करता है किसको किसको, हेड और टेल को। और इस बार को हम क्या बोलते हैं, सेपरेशन बोलते हैं, जो कि क्या करता है, हेड को अलग करता है और टेल को अलग करता है। हेड क्या होता है, जो भी लिस्ट होती है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हेड। जैसे कि यहाँ पर देखो इस लिस्ट के अंदर अभी आपका हेड कौन सा हो जाएगा, 2। इस वाले लिस्ट में आपका हेड कौन हो जाएगा, राम। इस वाली जो लिस्ट है उसमें आपका हेड कौन हो जाएगा, राम। मतलब जो भी आपको गिवन लिस्ट है उस लिस्ट का जो फर्स्ट आइटम होगा या फर्स्ट एलिमेंट होगा वो आपका क्या कहलाएगा, हेड। और बाकी रिमेनिंग जितना भी आपका पोर्शन बचेगा उस लिस्ट का वो कहलाएगा आपका टेल। वो कैसे, देखो यहाँ पर आपका हेड क्या हो गया, तो और अगर हम टेल की बात करें तो इस हेड को छोड़कर बाकी जो भी बचेगा वो आपका क्या होगा, टेल। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं क्या, 3, राम और श्याम। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई कि जब भी आप टेल लिखो तो टेल भी क्या करेगा, एक लिस्ट फॉर्म में ही होना चाहिए। मतलब हेड हटाने के बाद में जो टेल बचेगा वो एक लिस्ट को ही फॉर्म करेगा। आपका जो हेड होगा वो लिस्ट में नहीं होगा, हेड लिस्ट से बाहर होगा, लेकिन जो बचा हुआ पोर्शन होगा वो किस फॉर्म में होगा, आपका टेल के फॉर्म में। तो टेल को हम क्या बोलते हैं कि एक तरीके से लिस्ट ही है, ठीक है। अब और एक दूसरे एग्जांपल भी समझ लेते हैं। जैसे यहां पर आप देखो ये कहीं लिखा हुआ राम, तो यहां पर आपका हेड क्या हो जाएगा,
राम हो गया और टेल क्या हो जाएगा, राम को छोड़कर बाकी जो भी बचा उसको हम लिस्ट में लिख देंगे, तो ये क्या हो गया आपका ए बी, ठीक है, श्याम, सी और डी। तो टेल जो भी होगा वो हमेशा क्या होगा एक लिस्ट फॉर्म में होता है, और ये लिखा हुआ मैंने टेल को क्या बोलते हैं बार बोलते हैं, डिवाइड करता है या पार्ट करता है किसके लिस्ट के। देखो अब ये तो हो गया एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन, उसी तरीके से आप लिस्ट को अगर अलग अलग बुक में देखोगे तो आपको बहुत से बुक में अलग अलग वेरिएशन मिलेंगे आपको लिस्ट के, कि आप लिस्ट को अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हो रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक उसी तरीके से एक फॉर्म मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपको इस तरीके से लिस्ट लिखती है, ये तो हमने सीख लिया है कि लिस्ट क्या होती है एक ब्रैकेट के अंदर होते हैं और उसके अंदर क्या हो सकते हैं वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट नेम और लिस्ट। तो अगर हम यहाँ देखें तो अभी यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम हमारे पास कितने हैं, थ्री आइटम्स है ए बी और सी, और इसी को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप इसको भी क्या ही बोलोगे एक लिस्ट बोलोगे। जैसे कि हमने बात करी है लिस्ट के बारे में, तो लिस्ट क्या होती है लिस्ट प्रोग्रामिंग, मतलब कि लिस्ट में हम कंप्लीटली लिस्ट का यूज करते हैं। देखो ये मैंने आपसे बात करी थी एल आई एस पी, तो एल आई एस पी क्या होती है लिस्ट प्रोग्रामिंग, इसका जो फुल फॉर्म होता है लिस्ट प्रोग्रामिंग, और जो लिस्ट प्रोग्रामिंग है ये एक कंप्लीटली फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम है, मतलब कि आप लिस्ट के अंदर जो लिस्ट प्रोग्रामिंग है उसमें आप केवल और केवल फंक्शंस का यूज कर सकते हो। और देखो ये जो लिखा हुआ है किस फॉर्म में लिखा हुआ है फंक्शंस के फॉर्म में, तो आप लिस्ट को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है तो देखो क्या लिखा हुआ है ए के पहले हमने क्या लिखा है डॉट मतलब टर्मिनेशन, फिर सेमी कॉलन, फिर कॉलन, फिर क्या लगा हुआ है डॉट, फिर बी, फिर ये डॉट, फिर सी, और इस तरीके से हमने इसको एक तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और ये जो खाली लिस्ट है इसको हम क्या बोलते हैं नल ऑफ एम्प्टी लिस्ट। तो ये तरीका ही है लिस्ट को रिप्रेजेंट करने का, वही मैंने यहां पर भी लिखा है, और अच्छे से समझ सकते हो आप छोटे एग्जांपल के अंदर। ये ए इसके लिए हमने सबसे पहले एक फंक्शन बनाया, उसके लिए बी के लिए हमने एक फंक्शन बनाया, और लास्ट में हमारे पास में क्या बचा हुआ है नल और एम्प्टी लिस्ट। देखो ये नल और एम्प्टी लिस्ट कैसे आती है उसकी बात करता हूं। अगर मैं इस लिस्ट के ट्री रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करूं तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि देखो आइटम्स कितने दिए हुए हैं, दो आइटम्स दिए हुए हैं, तो इसको हेड अलग कर लो, तो यहां से हेड क्या हो जाएगा आपका, और इसका टेल अलग कर लो तो टेल क्या हो जाएगा आपका बी। ठीक है अब इन दोनों को क्या करते हो टर्मिनेट कर दो, जैसे ये टर्मिनेशन सिंबल है तो ये आपका क्या हो जाएगा ए, यहां पर आप पूरी लिस्ट लिखो पहले ए और बी, तो यहां से क्या हो जाएगा ये अलग ए अलग हो जाएगा, टेल अलग हो जाएगा और हेड अलग हो जाएगा, ये लिख दिया आपने। अब देखो अब इस वाले फॉर्म को हम क्या करेंगे फिर से आइडेंटिफाई करेंगे क्योंकि ये फिर एक लिस्ट आ गई हमारे पास में, तो इसके लिए फिर हम एक नया ट्री बनाएंगे। तो यहां पर फिर क्या हो जाएगा आपका टर्मिनेशन या आपका बी एक अलग हो जाएगा और यहां से ये आपकी एक नल लिस्ट अलग क्रिएट हो जाएगी। देखो तो क्या बन गया ये डॉट, इसके बाद में क्या लिखा हमने ए, फिर सेपरेशन, फिर क्या लगाया डॉट, क्या लिखा बी, और उसके बाद में क्या आएगा सेमीकोलन, यही हमने फॉर्म यहां पर लिखा हुआ। तो इसको अचीव करने के लिए हम इसका यूज करते हैं एक ट्री रिप्रेजेंटेशन का, क्या लिखा हुआ है ए बी डॉट सेपरेशन लगाया, सेपरेशन के बाद में हेड को अलग किया, टेल को अलग किया। अब देखो ये अपने आप में फिर एक लिस्ट आ गई, तो फिर इसको हम क्या करेंगे सेपरेट करेंगे, तो इसको सेपरेट करने के लिए फिर डॉट लगाया, तो यहां से इसका हेड क्या हो जाएगा इस वाले लिस्ट का बी हो गया, ठीक है, और टेल क्या हो गया नल लिस्ट हो गई, तो ये हेड अलग कर दिया, ये टेल अलग कर दिया, और इसको लिख दिया देखो डॉट, फिर ये ए, फिर यहां से क्या किया डॉट, फिर ये क्या हो गया बी, और ये आपकी एम्प्टी लिस्ट। तो इस तरीके से आप इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्री रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। तो देखो ये हमने लिखा, क्या लिखा हुआ लिस्ट, अब हम यहां बात कर रहे हैं इसकी प्रोलॉग की, और लिस्ट का जो एग्जैक्टली यूज होता है वो कहां पर होता है लिस्ट प्रोग्रामिंग के अंदर। तो अभी हम लिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाय चांस अगर हम कभी लिस्ट की बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके की जो लिस्ट होती है उसको हम किस तरीके से रिलेट करते हैं लिस्ट के अंदर। धन्यवाद।